हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारी जो जीके की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज में हमने 10 क्लासें पढ़ ली थी, आज 11वीं क्लास। इसमें हम आज शुरू करेंगे भारत की नदियों के बारे में, भारत के रिवर सिस्टम के बारे में। और रिवर सिस्टम के बारे में शुरू करें उससे पहले हम नदियों के उपनाम जान लेते हैं। नदियों के उपनाम जानेंगे, उसके बाद में एक एक करके हम नदियों का पार्ट पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र है और गंगा नदी तंत्र है, प्रायद्वीपीय भारत का नदी तंत्र है। सबसे पहले हम बात करते हैं नदियों के उपनाम। पहली नदी है वृद्ध गंगा। वृद्ध का अर्थ होता है बूढ़ी, तो बूढ़ी गंगा कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। उसके बाद में बिहार का शोक। बिहार का शोक कौन सी नदी है? बिहार का शोक है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। पवित्र नदी, पवित्र नदी हम सभी जानते हैं, पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी पवित्र नदी। उसके बाद में नदी है दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, जो कि उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। उसी प्रकार से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसलिए गोदावरी को कहते हैं दक्षिण की गंगा। उसके बाद में एक नाम और आता है दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा, उत्तर भारत की गंगा जो पवित्र नदी है गंगा नदी, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में जिस नदी को पवित्र माना जाता है वो नदी कौन सी है? कावेरी। तो ये याद में रखना है कि दक्षिण की गंगा प्रश्न पूछे तो आएगा गोदावरी नदी, और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो आएगा कावेरी नदी। उसमें उसके बाद में आता है बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। दामोदर नदी बंगाल का शोक। उसके बाद में है उड़ीसा का शोक। उड़ीसा का शोक जो नदी है वह है महानदी। महानदी क्या है? उड़ीसा का शोक महानदी। इसे शोक क्यों कहते हैं? शोक का मतलब ये अपने साथ बाढ़ लेकर आती है, उस राज्य में जान माल और पैसों की हानि पहुंचाती है, इसलिए शोक हो जाती है नदी। अगली नदी है असम का शोक। असम का शोक है, इस नदी को कहते हैं हम ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की और भी कई उपनाम हैं, इसे दिहांग कहते हैं, इसे सांगपो भी कहते हैं, इसे जमुना भी कहते हैं, इसे पद्मा भी कहते हैं। इसके कई उपनाम हो रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के, इसके उपनाम हैं। करक रेखा। करक रेखा को दो बार काटने वाली नदी, मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी और भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी। करक रेखा को दो बार काटने वाली नदी की बात करें तो यह है माही नदी। माही नदी करक रेखा को दो बार काटती है। माही नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है और राजस्थान से होकर यह कच्छ केरन में गिरती है। उसके बाद में है मकर रेखा। मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी है? लिम्पोपो नदी। ये है अफ्रीका महाद्वीप की नदी है लिम्पोपो नदी। और उसके बाद में भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? उसका नाम है कांगो, और इसको एक नाम से और जानते हैं, कांगो या जायरे नदी। ये भी अफ्रीका महाद्वीप की है, कांगो या जायरे नदी। आज हमने नदियों के उपनाम के बारे में पढ़ा। इसी तरीके से यही क्रम चलता रहेगा और हम नदियों की अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।